सात रास्ता है पानी का यहाँ से निकलने का, इस वजह कर इसे सात पुला कहा जाता है। अगर आठ होता तो आठ पुला कहलाता। अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये एक डैम है। इस डैम को शर्फ हासिल है दुनिया के सबसे पुराने डैम होने का। दिल्ली को दुनिया का कल्चरल कैपिटल कहे तो ये गलत ना होगा। पिछले 1000 साल में दिल्ली में जो जो चीज बनी है, जो जो चीज यहाँ हुई है, वो अपने में यूनिक, अपने में नुमाया है। और अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये एक डैम है। इस डैम को शर्फ हासिल है दुनिया के सबसे पुराने डैम में होने का। ये जिस जगह हम खड़े हैं इसे कहते हैं सतपुला। ये बादशाह सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक के दौर में ये बनकर तैयार हुआ है 1343 में। तो कुल मिला के तकरीबन ये आज के डेट में 700 साल पुराना स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हम खड़े हैं। इसको बादशाह ने इस वास्ते बनाया था ताकि यहाँ पर जो खेती है अच्छे से हो सके। उस दौर में कहत और बहुत ज्यादा सुखाड़ आया था, तो इस वजह कर बादशाह ने यहाँ पर एक डैम का निर्माण करवाया। साथ ही इसका एक और इस्तेमाल था। जैसा आपको पता है कि अलग अलग दौर में दिल्ली में अलग अलग शहर बसे हैं, तो वैसे में ये दिल्ली का चौथा शहर का एक वॉल था। यानी एक साइड अगर पानी जम जाएगा तो दुश्मन उस जानिब से हमला न कर पाएगा, इस वास्ते भी इस स्ट्रक्चर को बनाया गया था। इसमें बहुत सारी चीजें अब खत्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे अब भी मौजूद है। एक तरफ बराबर है, समतल है, ज्यादा ऊंचाई है, और दूसरी तरफ काफी गड्ढा है, जिससे ये पता चलता है कि एक जानिब से पानी आता होगा, दूसरी जानिब पानी जमा होता होगा। तो हम यहाँ पर आए हैं आपको दिल्ली की ये तारीखी चीजें दिखाने के लिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा आपको पता है इस स्ट्रक्चर का नाम है सातपुला, तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पर सात रास्ता है जिससे पानी यहाँ पर से जाता था, तो जिसमें एक में हम आपको लेकर चलते हैं। तो ये देखिए, ऊपर से मान लीजिए पानी आया और इधर से वो निकलेगा और वो जो हौज है उसमें जाके वो जमा होगा। तो ये एक तरीका था पानी को उस जमाने में प्रिजर्व करने का। तो ये एक डैम है, उस जमाने का डैम जो आज से 700 साल पहले बना है। तो हम नीचे आए हैं तो यही पूरा स्ट्रक्चर है, और ऊपर काफी ऊंचाई पे हमने आपको दिखाया, दोनों साइड गार्ड खड़े होते थे ताकि इस इलाके की हिफाजत की जा सके और पानी से ये पूरा इलाका महफूज रहता था। तो ये काफी खूबसूरत, काफी यूनिक स्ट्रक्चर है। जरूरत है कि हुकूमत इसे प्रिजर्व करे, बचाए और इसे जो इसका हक है वो दिलवाए, क्योंकि ये अगर देखिएगा ये अपने में यूनिक है। ऐसा स्ट्रक्चर हिंदुस्तान में बहुत कम देखने को मिलता है, और इसी वास्ते क्योंकि मैंने बताया कि सात रास्ता है पानी का यहाँ से निकलने का, इस वजह कर इसे सात पुला कहा जाता है। अगर आठ होता तो आठ पुला कहलाता, लेकिन इसमें अभी सात है तो ये सात पुला कहलाता। ये पूरा स्ट्रक्चर पत्थर से बना है, और उस जमाने में चूना और जो दिगर केमिकल इस्तेमाल होता था मकान बनाने में, वो इसमें आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर बना है 1343 ईस्वी के आसपास। तो अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये एक ऐसी जगह है जहां पर गार्ड खड़े होकर पहरेदारी किया करते थे। जैसा मैंने आपको बताया कि ये चूंकि एक इलाका है जहां पर से दो इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ये है कि जो दिल्ली के अंदर चौथा शहर बादशाह बना रहे हैं जहां पना उसकी हिफाजत के लिए, और दूसरा जो इरिगेशन का सिस्टम है। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे पानी जमा होता था, तो यहाँ पे आमतौर पर ये मान्यता है कि यहाँ पर एक बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं जिनका नाम है हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहली रहमतुल्लाह अलैह। तो लोगों की अकीदत है कि वो इस टैंक से, मतलब ये जो तालाब जो पानी जमा होता था उससे वो वजू किया करते थे इबादत करने के वास्ते, और इसी वजह कर लोगों की ये भी मान्यता थी कि उनकी फैज से ये पानी में ये ताकत थी कि वो लोगों को शिफा देती थी। तो लेकिन ना पानी है ना कुछ है, बगल से एक नहर नाला छोटा सा जरूर गुजर रहा है और चीजें अब बदल गई हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर मौजूद है। साल 2010 के आसपास में जब कॉमनवेल्थ गेम शुरू हुआ था तो इसे रिस्टोर करने की कोशिश की गई थी। एक बार फिर से भारत में G20 समिट होने वाला है, जिसको लेकर भारत सरकार अलग अलग मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करने की लगातार कोशिश कर रही है। तो उम्मीद है कि इस मॉन्यूमेंट के साथ भी सरकार कुछ वैसा ही रवैया अख्तियार करे और इसे वापस इसके सही हाल पर लाके इसे लोगों के लिए खोले, ताकि टूरिस्ट इसे देखें और इससे फैजयाब हो कि अलग अलग दौर में हिंदुस्तान में किस किस तरह के नायाब स्ट्रक्चर बने हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई सजेशन, कोई सलाह या कोई शिकायत है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और तब तक के लिए दे हमें इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।